उत्तर प्रदेश बस शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अंधेशों से संबंधित दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर है माननीय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, दूसरी खबर विक्रम सिंह डीजी महोदया से मुलाकात के संबंध में। आई दोनों खबरों पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं। विक्रम सिंह ने पोस्ट कर बताया है, नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। विक्रम सिंह ने पोस्ट कर बताया है आज का क्या कार्यक्रम रहा, सुप्रीम कोर्ट में कहां पर कुछ अंधेशकों के पक्ष में सकारात्मक वाक्य हुआ, और साथ ही डीजी महोदया से मुलाकात कर क्या कुछ जानकारी दी है। विक्रम सिंह पोस्ट के द्वारा बता रहे हैं। क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान साथियों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में निम्नलिखित तथ्यों से आप सभी अवगत हों। पहला यह कि मामले में हम अंधेशकों की तरफ से ही सर्विस कंप्लीट कराई गई थी। नंबर दो ये कि मामले के कुछ पक्षकारों द्वारा नोटिस रिसीव न किए जाने पर संबंधित का एनालिस्टिक रजिस्ट्रार की कोर्ट में नहीं आ पाया। यह कि याची अनुराग की अधिवक्ता ने रजिस्ट्रार कोर्ट में निवेदन किया कि उपरोक्त पक्षकारों को प्रफार्मा याची मानकर उनके नाम डिलीट किए अनुमति दी जाए। रजिस्ट्रार न्यायालय ने समय देते हुए प्रफार्मा याचियों को हटाने की अनुमति दी है। आदेश आने पर सभी तथ्य और स्पष्ट हो जाएंगे। साथियों मामले में संक्षिप्त कार्रवाई चैम्बर में ही की जानी है। आप सभी आगामी डेट को लेकिन परेशान ना हो, परिवर्तन संभव है। विक्रम सिंह अंधेशक संघ। जैसा कि आप अवगत हैं, आज डीजी मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई है। आज विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ डीजी महोदया से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो पाई। आज शासन में दो बार मीटिंग होने के कारण मैडम व्यस्त रहीं, लेकिन हम लोग लखनऊ में ही रुके हैं और मुलाकात करके ही वापस जाएंगे। आज हमारे साथ एसपुर की पूरी टीम, आदरणीय निगम सर, विनय सर, तारकेश्वर शाही सर, मनोज राय सर और अंधेशक प्रतिनिधिमंडल में, जिसमें मैं स्वयं राम सिंह जी, प्राची जी, स्मृति जी और वंदना जी रहीं। परेशान मत होइए, जो सूचना मिल रही है कि परियोजना से प्रस्ताव बनाकर शासन में गया है, लेकिन सारी स्थिति कल मैडम से वार्ता के बाद ही क्लियर हो पाएगी। आप लोग हम पे और संगठन पर भरोसा रखिए, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। विक्रम सिंह। साथियों ये बड़ी दो खबरें आपने देखी, जानी समझी। कल पुनः विक्रम सिंह जी जाएंगे डीजी महोदया के पास और मुलाकात कर सारी जानकारी एकत्र करेंगे और आप तक अंधेशक न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा कि डीजी महोदया से वार्ता के क्रम में किन किन मांगों पर सहमति बनी है और किन किन मांगों को मैडम के स्तर से पूर्ण कर लिया गया है। आप देख रहे थे अंधेशक न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। अंधेशक न्यूज़ पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।